वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उस साइड में बेल का आइकन होगा, उस पर भी क्लिक कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी करें। सनी देओल को फिल्मी उद्योग में एक एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, जिनकी हर फिल्म में दर्शकों को काफ़ी मारधाड़ और एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। जिनकी हर फिल्म में कोई भी खलनायक सनी से डरता है। ऐसे में अगर कोई असल जिंदगी के लिए सनी देओल से डरता है तो हद हो जाती है। आज बॉलीवुड की दो ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो असल जिंदगी में सनी देओल से बहुत डरती थी, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर एक पे हैं श्रीदेवी। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी अब हमारे बीच जीवित नहीं है। ऐसे में सनी देओल के डर से वह डर गई थी। श्रीदेवी को पहली बार सनी की फिल्म घायल में उनके साथ काम करने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम करने से क्यों मना किया था। शायद श्रीदेवी सनी देओल से डरती थी। ऐश्वर्या राय। बता दें कि उम्र के लिहाज से सनी देओल ऐश्वर्या के घर गए और फिल्म में काम करने के लिए बात की, लेकिन अपने स्टारडम के कारण उन्होंने डर के मारे सनी के साथ काम करने से मना कर दिया था। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सनी ने कहा था कि उनकी ज़्यादातर फिल्में पुरुष केंद्रित हैं, शायद दोनों अभिनेत्रियाँ एक ही रुचि से उनके साथ काम करने से डरती हैं। दोस्तों सनी देओल की जोड़ी किस अभिनेत्री के साथ अच्छी लगती है, श्रीदेवी या ऐश्वर्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम बात करें बॉलीवुड के दो सुपरस्टार सनी देओल मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जिन्हें फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और जबरदस्त एक्शन के लिए जाना जाता है। बता दें मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल ने साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म हीरोज में साथ काम किया था। इस फिल्म के 12 साल बाद फिर सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ दिखाई देने वाले हैं। तो ये जानते हैं सनी देओल मिथुन चक्रवर्ती की इस आने वाली फिल्म के बारे में। तो दोस्तों सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि आज हम सनी देओल मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली फिल्म भैया जी सुपरहिट 2 के बारे में बात कर रहे हैं। नीरज पाठक के निर्देशन बनी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है, जिसमें हमें सनी देओल मिथुन चक्रवर्ती, अमीषा पटेल, प्रीति जिंटा मुख्य किरदार में दोबारा से दिखाई देने वाली हैं। वैसे तो सनी देओल की पिछली बॉक्स ऑफिस फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी हैं, यही वजह कि इस फिल्म से सनी देओल को बेहद ही उम्मीदें हैं। वहीं इस फिल्म के द्वारा काफ़ी समय के बाद सनी देओल मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी लंबे समय के बाद एक साथ दोबारा बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन अब देखना है कि दर्शक इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों क्या आप सनी देओल मिथुन चक्रवर्ती को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई वीडियोज़ के लिए।